हेलो फ्रेंड, वेलकम यू इन द बबली किचन। आज हम करेले की सब्जी बनाएंगे जो कि बहुत ही गुणकारी है। यह है शुगर के लिए एक रामबाण इलाज है। इसको खाने से खून साफ होता है और कफ दूर होती है। इसमें विटामिन ए, बी और सी जैसे गुण भी पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं, आज हम भरवा करेले बनाएंगे। आज हम भरवा करेले बनाएंगे। भरवा करेले बनाने के लिए हमने सरसों का तेल लिया है फ्राई करने के लिए। आधा किलो से ज़्यादा तेल है। इसको फ्राई करने के लिए आधा किलो करेले हैं। करेलों को हमने पहले धो लिया, अच्छी तरह से छील लिया और फिर इनको ऐसे बीच में से कट मार दिया हमने, ये देखिए। और जो बीज हैं जिसमें पके हुए, ये देखिए, जो तो कच्चे बिल्कुल, उनको ऐसे रख लिया। जिसके अंदर बीज है उनको बीज आप निकाल लें पके हुए। और इनका जो छिलका उतरा था उसको हमने फेंकना नहीं है, उसको भी हमने रख लिया है, उसको हम बाद में फ्राई कर लेंगे। प्याज लिए 250 ग्राम। प्याज को भी हमने इस तरह से मोटा मोटा काटना है और इसको बाद में हम फ्राई करेंगे, प्याज को और इन ये छिलकों को हम। और इस करेलों के अंदर फिलिंग करने के लिए, भरने के लिए हमने अनारदाना, दरदरा अनारदाना है पिसा हुआ, 1.5 टीस्पून अनारदाना, 2 टीस्पून हमने धनिया लिया पाउडर, 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच बड़ा नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच हल्दी। नमक और मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, जैसा आप तीखा खाना चाहते हैं अपने हिसाब से डाल लें। अब हम सबसे पहले करेले जो है फ्राई करने के लिए तेल रखेंगे गैस पे। ये करेले के अंदर ये मसाले भरने के लिए हम इनको मिक्स कर देंगे सबको। ये हमने एक बड़ा कटोरी ले लें आप, उसके अंदर अनारदाना डाला, ये धनिया पाउडर, सारे मसाले हमने मिक्स कर देने हैं। ये सौंफ, नमक आप अपना स्वाद अनुसार डाल लें, मिर्च भी और ये हल्दी। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा सूखा मसाला बनके तैयार हो गया सारा, जो हम करेले के अंदर भरेंगे ये इस तरह से। अब हम सबसे पहले, ये मसाला हमारा भरने के लिए तैयार हो गया है, सबसे पहले हम करेले को फ्राई करेंगे। जब करेले फ्राई हो जाएंगे हमारे हल्के गोल्डन कलर के, ब्राउन कलर के, लाइट ब्राउन, तब हम इसके अंदर ये मसाला भर के फिर दिखाएंगे आपको मसाला भरेंगे। अब हम तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। तेल गरम हो जाए, ये देखिए तेल गरम हो गया। अब इसमें आप फ्राई करने के लिए करेले डाल दें और इसको आप पहले तेज सेक रखें, उसके बाद फिर स्लो पे इसको धीरे धीरे आपने फ्राई करने हैं, हल्के ब्राउन होने तक, हल्के ब्राउन होने तक फ्राई करने हैं। ये हमारे करेले फ्राई हो गए हैं। और जो छोटे करेले हैं उनको आप पहले निकाल दें, और बड़े करेलों को फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए ज़रा देख लें उनको। अब हमारे करेले लगभग हो गए हैं, अब हम इनको फ्राई हो गए हैं, इनको हम निकाल देंगे करेलों को। एक बार करेले फ्राई होने में कम से कम 10 से 15 मिनट तक लग जाते हैं, क्योंकि इसको हमने सिम सेक पे फ्राई करना होता है। अगर आपको लगे कि सिम पे थोड़ा धीरे है तो आप थोड़ा सा मीडियम पे भी ला सकते हैं, लेकिन करेले जो है स्वाद तभी आता है जब आप इसको स्लो पे बनाएं। तो ये आप बाकी के बचे हुए करेले भी इसमें डाल दें और इनको भी वैसे ही फ्राई कर लें। अब हम करेलों के अंदर फिलिंग करेंगे, और जो करेले इस तरह से बीच के अंदर आप चम्मच से आधा चम्मच डलता है, जिसके हिसाब से आप देख लें, बड़ा करेला है तो उसमें आप 1/2 चम्मच आ जाएगा। इस तरह से सारे करेलों को आपने भर लेना है।
इस तरह से जो बाकी करेले हमारे फ्राई हो रहे हैं उसको भी हमने इसी तरह से भर लेना है सबको। अब हम थोड़ा सा एक कड़छी आधी कड़छी तेल डाल के उसको अंदर जो हमने इसके करेले के छिलके थे उनको फ्राई करेंगे। इस तरह से इसके अंदर पानी होता है, धोए होते हैं तो पानी थोड़ा 5 मिनट लग जाएंगे इसको फ्राई करने में। हल्के सेक पे इसको आप फ्राई करें, पहले थोड़ा सेक तेज कर लें बाद में फिर थोड़ा स्लो कर लें। ये भी आपने हल्के से ब्राउन होने पर जब पानी सूख जाए, ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, ये हमारे देखिए करेले हो गए फ्राई, ये छिलके इनके सॉरी फ्राई हो गए। अब हम इनमें प्याज डाल देंगे और प्याज डाल के जो हमारा बचा हुआ मसाला था, भरवा मसाला जो हमारा बचा था उसको हम इसमें डाल देंगे। अगर आपको लगे कि कम है तो आप नमक डाल सकते हैं, वैसे ठीक ही होता है मसाला, हिसाब से आप देख लें अपने नमक अपने स्वाद से। अब इसको ऊपर नीचे हल्के हाथों से हिला लें, मसाला सारा वो छिलके मिक्स हो जाएंगे इसमें, ये बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। और इसको आपने 1 मिनट के लिए दम देना है। पहले हम इसमें भरवे जो करेले थे उसको डाल देंगे, धीरे धीरे हमने इनको डालना है इस तरह से ऊपर की तरफ, जहाँ मसाला भरा है उसको ऊपर की तरफ रखना है। और इसमें से मसाला नहीं निकलता क्योंकि जब हम फ्राई करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा तेल होता है तो वो मसाले को सोख लेता है सारा। सारे करेले इस तरह से ऊपर हम डाल के, ये देखिए ऊपर डाल के इसको हम 1 मिनट के लिए ज़रा ढक के रख देंगे ताकि जो प्याज हैं वो हमारे थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और जो करेले हैं ये सारा मसाला इसमें मिक्स हो जाए, अच्छी तरह रच जाए ये जो तेल तूल बचा हुआ था। 1 मिनट के लिए इसको आप ढक के रख दें, स्लो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखना है इसको आपने। अब आप उठा के देखें इसको हल्के हाथों से, इसको आप ऊपर नीचे कर ले आराम से, इसको सारे मिक्स कर देने हैं इस तरह से ताकि मसाला ऊपर नीचे सारा मिक्स हो जाए इसमें। अभी थोड़ी देर के लिए आप इसको फिर एक बार ढक दें हिला के इसको। अब देखिए ये हमारे अब करेले बन गए और इसको आप इस तरह से सर्व कर सकते हैं। ये गरम गरम करेले खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और ये करेले 8 दिन तक आप कम से कम रखें, ख़राब नहीं होते। अगर आप सफ़र में जाते हैं तो ये परांठी फुलका बहुत अच्छे लगते हैं उसके साथ खाने में, एक किस्म का अचार समझ लीजिए, ख़राब नहीं होता, 1 हफ्ते तक बहुत अच्छे बनते हैं। आप इसको ज़रूर बनाइए और खाइए और मेरे साथ अपने व्यूज़ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन क्लिक ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।